जनपदीय एसओजी व थाना हापुड़ देहात की संयुक्त पुलिस टीम ने फर्जी प्रपत्र तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 39 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 4 फर्जी आधार कार्ड, 2 मोबाइल फोन व 1,770 रुपये नकदी बरामद। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। ये दो अभियुक्त हापुड़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए, जिनके द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनाकर जिन व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास होते थे उनके पासपोर्ट भी बनवाए जाते थे तथा ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया जाता था। बेसिकली ये लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे एक क्लोन वेबसाइट के माध्यम से और कुछ लोगों से पैसे लेकर के और इस प्रकार के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे थे। सर, ये कब से गैंग चल रहा था इन लोगों पर? ये अभी इन लोग से पूछताछ जारी है और अभी 39 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और 6 फर्जी आधार कार्ड इनसे प्राप्त हुए। कहाँ के रहने वाले हैं? एक अभियुक्त इसमें मेरठ का तथा एक गाजियाबाद का है। कुछ और अन्य साथी भी हैं सर इनके? अभी हम लोगों ने कुछ लोगों को वांटेड किया है जो इन लोगों के साथी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हापुड़ नगर कोतवाली ने कहा, वो देहात ने कहाँ से गिरफ्तारी करी इनकी? गिरफ्तारी का स्थान RTO कार्यालय के पास मेरठ रोड। कितने समय से ये फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे थे? अभी जैसा मैंने बताया 39 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और 4 आधार कार्ड फर्जी इनके पास से मिले हैं, आगे अभी पूछताछ चल रही। सर, जहाँ ये काम हो रहा था जो इनके साथी थे और लोग, तो उनके जो साथी थे इनके, उनके गिरफ्तारी कुछ है और कुछ? हाँ, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, उनको वांटेड किया गया।